अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? तो जी देखिए, आज हम लोग आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जी आज देखिए, आज बहुत स्पेशल डे है और आज है सैयद डे 2022। तो जी आज जो है बहुत स्पेशल डे है हम लोगों के लिए, यानी सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज सैयद डे का दिन है और आज के दिन ना यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां होती हैं अपने यूनिवर्सिटी में और पूरे प्रोग्राम्स होते हैं सुबह से लेके शाम तक, और रात को यहाँ पर डिनर होता है। और बहुत ही एक तरीके से आप यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि ऐसे एक फेस्टिवल की तरह हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो लोग जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, एल्यूमनी हैं, वो इस दिन की अहमियत समझ सकते हैं, क्योंकि आज का दिन जो होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है और इस दिन को जो है ना हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और मैं अपने लफ्जों में पूरा बयान नहीं कर सकती क्योंकि आज का दिन हमारे लिए कितना स्पेशल होता है। तो भाई देखिए, हम लोग आ चुके हैं माशाल्लाह, और आप यहाँ की रौनक देखिए, बस मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए, बस यहाँ आकर हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। और ये देखिए जी, ये है बीसी लॉज, और यहाँ आके जो वाइब्स आती है ना, पॉजिटिव वाइब्स जो आती हैं यार, वो तो बस हम ही लोग या वो लोग समझ सकते हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं इसको बयान नहीं कर सकती अपने लफ्जों में कि यहाँ आकर हमें कैसा फील होता है। और ये देखें, इधर ये है लाइब्रेरी, और ये भी बहुत खूबसूरत सजी हुई है। मैं इंशाल्लाह रात को आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर इसको बहुत प्यारा सजाया हुआ है। अंदर चले नहीं, सब ओपन है। और यहाँ पे देखिए, तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जो भी यहाँ के रोड्स हैं उनको देखिए वन वे किया हुआ है यहाँ से। ये देखें, इधर ये बैरिकेडिंग हो गई है, तैयारी जो है वो पूरी जोरों शोरों पे है। और मैं देख पा रही हूँ, ये देखिए पेड़ों पे भी जो है ना, ये आपको पेंटिंग दिख रही है ना, ये भी बिल्कुल अभी हाल ही ताज़ा हुई है, ताकि सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी चमकदार न्यू लगें। तो सैयद डे की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और ये देखिए, अब हम ये दूसरे गेट पे आ गए, और ये देखिए जी, अब हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के सेकंड वाले गेट पे। तो जी ये है देखिए सेंटिनरी गेट, और अभी देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के बाहर हूँ मैं, जस्ट सुबह सुबह का टाइम, चिड़ियों की चहचहाहट। और ये देखें एक बार, यहाँ ये देखिए फ्लावर, वाइट रोज, अलग ही खूबसूरती होती है यार यहाँ पर, मतलब बस। ये देखें, ये वॉक पे आए हैं आप ना कि खाने के लिए। कंट्रोल कंट्रोल, गर्मा गर्म जलेबी। ये देखिए जी, मौलाना आजाद लाइब्रेरी जस्ट सामने, और एक बार आप ये व्यू देखें, है ना खूबसूरत। और वो इमाम चला आ रहा है,
ये देखिए जी मेरी कमजोरी, ये मेरी कमजोरी है, आप लोगों को पता है जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं मैं वहाँ पर जो है ना खिंची चली जाती हूँ। और वाह ब्यूटीफुल, ये देखिए फ्रेंड्स एक्जोरा, माशाल्लाह ये देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको एक बार दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए है ना इतना खूबसूरत सा लग रहा है यार ये। और ये देखिए इधर इतने सारे रोजेज आ रहे हैं, वाह और देखिए ये भी एक एक्सोरा है, ये रोजेज हैं इतने प्यारे प्यारे से। और उधर भी एक पिंक कलर का रोज लगा हुआ है। और ये देखिए ये एमयू के बाहर का गेट है। देखिए इंशाल्लाह हम लोग रात को आएंगे यहाँ पर, और रात को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पूरा आपको दिखाऊँ कि रात को, पता है बिल्कुल एएमयू ऐसा लगता है कि जैसे हमने ना इसको दुल्हन की तरह सजा दिया है। यहाँ की एक एक बिल्डिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छे से सजाई जाती है, और बहुत अच्छी लाइटिंग होती है सोसाइटी। और फिर रात में डिनर होता है। आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए सूरज की किरण कितनी प्यारी लग रही है। ये पेड़ है ना यहाँ पर बहुत बड़ा सा, और इसके अंदर से ये सूरज की किरण थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, और ये बहुत प्यारी लग रही है। और ये फ्लावर्स देखिए एक बार आप कितने खूबसूरत हैं। और ये देखिए जी आज का जो प्रोग्राम है उसका पूरा ये दिया हुआ है 17 अक्टूबर 2022 11 AM गुलिस्तान सैयद में। और ये हमारे ऑनर है जो आज आ रहे हैं चीफ गेस्ट, और यहाँ पर प्रोग्राम भी लगातार चल रहे हैं। कल्चर एजुकेशन सेंटर ये एमयू सोसाइटी 18, 19, 20 लगातार चलेंगे ये 3 दिनों तक। और जी ये देखें ये है डक पॉइंट, और मैं आपको डक दिखाऊं। डक का देखिए वो रहा घर, डक अभी बंद है क्योंकि सुबह सुबह का अभी टाइम हो रहा है, तो देखेंगे किसी दिन दोपहर में आएंगे ना जब शूट करूंगी। ये देखिए वो डक का हाउस है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना वो है। नहीं नहीं दोपहर में खुलती है, मैंने देखी है, कभी कभार हम लोग मार्केट जाते हैं ना बाजार इधर होके तब ये खुलती है। और ये देखिए यहाँ पे हो रही है पूरी तैयारी, तो इंशाल्लाह मैं दोपहर में आऊँगी यहाँ पर।
हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी और अभी हो रहा है रात का टाइम और बज रहे हैं 9:30। और आप रौनक देखिए, बस अभी हम लोग एंटर ही हुए हैं और चारों तरफ ये देखिए भीड़ भाड़ माहौल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद रात हो रही है। ये देखें जी आप लोग, रौनक लग रहा है ना कोई फेस्टिवल। तो जी हाँ भाई, ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन। और आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ देख के ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ कितनी रौनकें लगी हुई है। बस भाई सलाम। वालेकुम सलाम, हम खैरियत से। और भाई बढ़िया के भाई सबूर भाई, और भाई खैरियत बन गया, शाही टुकड़ा बन गया। रुको जरा, सबर करो। देखो ऐसा है, खाने वाले मजेदार है, मैं सुना सुनने में आया है। अच्छा, तो शाही टुकड़े का क्या वो है? अच्छा लोग नहीं, बिल्कुल नहीं है। शाही टुकड़ा बन गया, शाही टुकड़ा और बिरयानी एंड जो भी खाना है। अरे वाह, अभी मजा आएगा ना। अलमास भाईजान, आप क्यों आए हैं यहाँ पे आज? काम बता दीजिए। यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं, सनसेट डे है तो डिनर के लिए। मतलब देखिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाहरुख, सीनियर कैबिनेट ऑफ AMU। अब आज हम इनसे पूछते हैं, और हम आफ्ताब हॉल में हैं, पूछते हैं भाई आप बता सकते हैं क्या क्या आज इंतजाम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद शाहरुख हुसैन है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन का सीनियर कैबिनेट मेम्बर हूँ। और आज जो हमारे अलीगढ़ बिरादरी एक जगह जमा हुआ है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो सर सैयद अली रहमान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की और 1817 में उनकी पैदाइश हुई, और उसके बाद इन्होंने जो काम किया एजुकेशन को लेकर सबसे अहम काम था। और आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये इदारा आपके और हमारे सामने है, ये सर्वोत्तम सर सैयद अली रहमान की देन है। और आज जो हम ये जमा हुए हैं इनकी योम पैदाइश और इनके कारनामों को जमा कर उनके कारनामों को सराहने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और यहाँ सारे अली बरादरी इकट्ठी होती है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे ओल्ड एसोसिएशन के स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इस दिन आते हैं यहाँ पर और सर सैयद डे सेलिब्रेट करते हैं। और हम सर सैयद अली रहमान की जो योम पैदाइश है उस पर सब खुश होते हैं और एक साथ मिलकर यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, और जो उनके विज़न है उस पर काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकु दवाना अलहमदिल्ला रब्बुल आलमीन। तो भाई आप लोग भीड़ देख रहे हैं, भीड़ का आलम कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। और ऐसे में तो जो है ना शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि आवाज ही नहीं आने की। Thank you.
हमारी गाड़ी में हो गया है पोपट। हमारी गाड़ी में हो गया पंचर, मेरी में नहीं, अब हुमाम की गाड़ी में पंचर हुआ है। डिनर कहाँ पे किया हुआ? दाल हॉल में। हैं? दाल हॉल में। कैसा लगा पहला डिनर करके? तो जी अब देखिए लास्ट में हम लोग यहाँ घूमने आए ससैयद हाउस। तो भाई आज का हमारा ये ससैयद डे का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आज का ये सेलिब्रेशन का डे सभी लोगों तक पहुँच जाए। तो भाई मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।